नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। भरतपुर की लाखा तोप हिंदुआ सूरज ब्रजराज महाराजा सूरजमल सिंह के समय में बनाई गई थी। इसका नाम लाखा रंग से लिया गया था, जिसे गेरुआ रंग भी कहते हैं। यह दुनिया की विशालतम तोपों में से एक है। यह डी किले में लाखा बुर्ज पर स्थित है। यह बुर्ज बहुत ऊंचा है। लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी तोप कैसे रखी गई। भरतपुर का यह किला मैदानी किला कहलाता है, जिसका एकमात्र मुख्य द्वार पश्चिम की ओर स्थित है। इस किले का एक मुख्य बुर्ज है, जिसे लाखा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इस बुर्ज की चौड़ाई करीब 27 मीटर है, जो कि चक्र की तरह गोलाकार है। बुर्ज पर चारों ओर चूने का प्लास्टर किया गया है, जो आज भी ज्यों की त्यों दिखाई दे रहा है। इसी बुर्ज के ऊपर प्रसिद्ध लाखा तोप स्थापित है। तोप की पीठ और पीठ की मोटाई हाथी की तरह है, जिसका सिर का भाग हाथी के सिर की तरह है। रियासत काल में यह तोप लोहे और लकड़ी से बने एक मजबूत स्ट्रक्चर पर रखी गई थी। लाखा तोप का इस्तेमाल 764 में सिर्फ एक बार आगरा के लाल किले पर किया गया था। सूरजमल जी ने मुगलों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा के किले पर आक्रमण कर दिया था। तोप चलाने वाले तोपची ने तोप को मशाल से जलाकर पास की गहरी खाई में ऊंची बुर्ज से छलांग लगा दी, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। तोप का गोला सीधा आगरा किले की दीवार पर जाकर लगा और दीवार टूट गई, जिसे जाट सैनिक तेजी से किले में घुस गए और मुगल सैनिकों को काट दिए। लाखा तोप चलने पर इतनी आवाज हुई कि मुगल सैनिकों में डर के मारे अफरा तफरी मच गई और वे इधर उधर दौड़ने लगे। किले के मुगल गवर्नर ने भयभीत होकर महाराज के आगे घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दिया। लाखा तोप की स्थापना बताते हैं राजा बदन सिंह ने दिसंबर 1727 में, जब किले डी की स्थापना की थी, तो 1723 में बाबा प्रीतमदास से इस किले की नींव रखवाई गई थी। बताते हैं इतिहासकार के 20 बीघा क्षेत्र में इस किले का निर्माण किया गया, जिसमें 8 बुर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो बुर्ज है वो लाखा बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। और इसकी जो विशेषता है बुर्ज की, 27 मीटर इसकी चौड़ाई है, जो चक्र की तरह गोलाकार है। बताते हैं कि तोप के बगल में एक हौद बना रखी थी, जिसमें पानी भरा रहता था। तो तोपची जो है, इसमें पीठ, इसकी जो तोप की जो पीठ है, उस पर एक छेद बना होता है, बत्ती डाल करके, और तोपची तुरंत उसमें हौद में कूद जाता था, जिससे वो गर्माहट से बच सके और धमक से बच सके। इसके बाद बताते हैं इतिहासकार कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली जब अपने देश लौट रहा था, उस समय राजा बदन सिंह के युवराज पुत्र जवाहर सिंह चौमुहा में तैनात थे, जो कि आज सीमावर्ती मथुरा जिले में पड़ता है। तो उनसे ये तोप जीत कर जवाहर सिंह लाए थे, जिसे यहाँ स्थापित किया गया था, जिसकी मार इतिहासकार 27 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि इसकी मार 18 मील तक थी। जब एक बार तोप चलाई गई थी तो डीग में सैकड़ों मकान इसकी धमक से धराशायी हो गए थे। बताया जाता है कि इस लाखा तोप की मार 27 किलोमीटर तक है, जबकि बुजुर्ग बताया करते हैं कि इस तोप की मार 18 मील तक है। इस तोप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इसको एक बार चलाया गया तो इसकी धमक से डीग कस्बे में सैकड़ों की संख्या में मकान धराशायी हो गए थे और अनेक गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर गए थे, जिसके चलते इसके बाद इस तोप को भविष्य में नहीं चलाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में डीग के विश्व प्रसिद्ध जल महलों और किले का अवलोकन करने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस तोप की तस्वीर अपने कैमरे और मोबाइल में कैद करके ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपीवी न्यूज।